हे दोस्तों, आज हम इंग्लिश के 51 हाउसहोल्ड आर्टिकल्स यानी कि घरेलू सामान की बात करेंगे जो रूटीन में यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं घरेलू सामान के नाम यानी हाउसहोल्ड आर्टिकल्स के नाम मैं दो बार लूंगा, तो आप भी मेरे साथ नाम दो बार लीजिए जिससे आपको याद रहने में सरलता हो। अलमारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे अलमीरा, अलमारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे अलमीरा ALMIRAH। अलमारी दीवार में जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कबर्ड, अलमारी दीवार में जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉबर्ड CUPBOARD। अंगारा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंडर, अंगारा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंडर CINDER। स्त्री को हम इंग्लिश में बोलेंगे आयरन, स्त्री को हम इंग्लिश में बोलेंगे आयरन IRON। ईंधन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल, ईंधन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल FUEL। कंबल जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैंकेट, कंबल जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैंकेट BLANKET। चमचा जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेडल, चमचा जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेडल LADLE। कंधी जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कोम्ब, कंधी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कोम्ब COMB। कुर्सी जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चेयर, कुर्सी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे चेयर CHAIR। कांटा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फोर्क, कांटा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फोर्क FORK। चटाई जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैट, चटाई जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैट MAT। चम्मच जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पून, चम्मच जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पून SPOON। चलनी या छलनी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सीव, चलनी या छलनी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सीव SIEVE। चादर को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेड सीट, चादर को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेड सीट BEDSHEET। चाबी को इंग्लिश में बोलेंगे की, चाबी को इंग्लिश में बोलेंगे की KEY। चारपाई को इंग्लिश में बोलेंगे कॉट, चारपाई को इंग्लिश में बोलेंगे कॉट COT। चिमटा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टोन, चिमटा जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टोन TONG। चूल्हा को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टोव, चूल्हा को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टोव STOVE। छड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टीक, छड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टीक STICK। छाता को हम इंग्लिश में बोलेंगे अम्ब्रेला, छाता को हम इंग्लिश में बोलेंगे अम्ब्रेला UMBRELA। झाड़ू को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रूम, झाड़ू को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रूम BROOM। झूला को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विंग, झूला को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विंग SWING। थाली को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट, थाली को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट PLATE। टोकरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बास्केट, टोकरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बास्केट BASKET। डिब्बा को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉक्स, डिब्बा को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉक्स BOX। कटोरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे बाउल, कटोरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे बाउल BOWL। तकियों को हम इंग्लिश में बोलेंगे पिल्लो, तकियों को हम इंग्लिश में बोलेंगे पिल्लो PILLOW। तकिए का आवरण जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पिलो कवर, तकिए का आवरण जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पिलो कवर PILLOW COVER। तराजू को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस, तराजू को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस BALANCE। तार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वायर, तार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वायर WIRE। ताला को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉक, ताला को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉक LOCK। तिजोरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेफ, तिजोरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेफ SAFE। दर्पण को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिरर, दर्पण को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिरर MIRROR। बिस्तर को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेड, बिस्तर को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेड BED। प्याला को हम इंग्लिश में बोलेंगे कप, प्याला को हम इंग्लिश में बोलेंगे कप CUP।
फुलदान जिस इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर वाज, फुलदान जिस इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर वाज, FLOVERVASE। बत्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे वीक, बत्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे वीक, WICK। बर्तन को इंग्लिश में बोलेंगे पॉट, बर्तन को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉट, POT। बटन को इंग्लिश में बटन ही बोलेंगे, बटन को हम इंग्लिश में बटन ही बोलेंगे, BUTTON। बर्फ रखने का बॉक्स जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आइस बॉक्स, बर्फ रखने का बॉक्स जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आइस बॉक्स, ICEBOX। बाल्टी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बकेट, बाल्टी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बकेट, BUCKET। ब्रश को हम इंग्लिश में ब्रश ही बोलेंगे, ब्रश को हम इंग्लिश में ब्रश ही बोलेंगे, BRUSH। बेलन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोलिंग पिन, बेलन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोलिंग पिन, RLLING PIN। मेज को हम इंग्लिश में टेबल बोलेंगे, मेज को हम इंग्लिश में टेबल बोलेंगे, TABLE। राग को हम इंग्लिश में बोलेंगे S, राग को हम इंग्लिश में बोलेंगे SASH। रस्सी को हम इंग्लिश में रोप बोलेंगे, रस्सी को हम इंग्लिश में रोप बोलेंगे, ROPE। साबुन को हम इंग्लिश में सोप बोलेंगे, साबुन को हम इंग्लिश में सोप बोलेंगे, SOAP। साबुनदानी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सोप केस, साबुनदानी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सोप केस, SOAPCASE। सुराही जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैगन, सुराही जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैगन, FLAGON। सुई जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नीडल, सुई जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नीडल, NEEDLE। मिट्टी का तेल जिसे इंग्लिश में बोलेंगे केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे इंग्लिश में बोलेंगे केरोसिन ऑयल, KEROSENEOIL। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।